वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सोनल बांदेकर और आज मैं आई हूँ ठाणे के ग्रैंड सेंट्रल पार्क में, जो कि कल्पतरु पार्क सिटी के अंदर है। हमें यहाँ आने के लिए ठाणे से बस से आना होगा। ठाणे वेस्ट में है और कल्पतरु पार्क सिटी के अंदर है। सो ये अभी अभी खुला है 8th of February को और देखते हैं कैसा है ये पार्क। लेट्स गो। मैं वैसे एंटर तो कर चुकी हूँ, आपको मैंने उसके क्लिप्स दिखाए। ट्री हाउस, दिस इज अ फर्स्ट स्टॉप। आई एम अज्यूमिंग ये बच्चों के लिए है। है काफी अच्छा। पार्क के टाइमिंग्स और बाकी के डिटेल्स तो मैं सब स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो वेरी नॉट। प्ले जोन, थीम गार्डन्स, लेक जोन, स्पोर्ट्स अरेना, कहाँ जाए। वहाँ पर कुछ तो है। आई कैन सी अ चेस बोर्ड हियर। यहाँ क्या है? प्ले जोन, लेक जोन, सामने है थीम गार्डन, स्पोर्ट्स अरेना। प्ले जोन, लेट्स सी दिस प्ले जोन। नहीं, ये क्या है? लेक जोन, नो प्ले जोन। ओह वेट, वाटर, वॉशरूम्स भी है। यार मुझे भी गीला होना है। मैंने नहीं लाए कपड़े एक्स्ट्रा, सो गीला तो नहीं हो सकती, बट वाह टॉटलॉट, वाओ। मैं बीच में जाके खड़ी रह रही थी, वो मैं रील में अपलोड कर दूंगी फॉर श्योर। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। तो सडनली पानी आ गया और मैं गीली हो गई, बट दिस इज फन।
ये भी बच्चों के लिए होगा। यस ऑफ कोर्स। अब तक का फाउंटेन सबसे बेस्ट पार्ट था। ये क्या है, ज़्यादा करके सब चीज़ बच्चों के लिए ही है इधर। झूला तो हम भी करेंगे। ओ वाओ, पहले इधर जाते हैं। क्या है ये, मुझे टेलीटबीज़ का याद दिला रहा है। किस किस ने टेलीटबीज़ देखा है बचपन में, वो नीचे कमेंट करना। वैसे है क्या ऊपर, जा सकते हैं क्या, देखती हूँ। ओह कुछ नहीं है, मस्त है। पर मैं ऊपर हूँ, नीचे आना है क्या। चलो नीचे चलते हैं। ओ ये इधर से बच्चों को चढ़ने के लिए है। चढ़ के दिखाओ बच्चों, चढ़ के दिखाओ, चढ़ो। वाओ यार कितने स्ट्रांग हो तुम। वाओ नाम क्या है तुम्हारा? पार्थ। वेरी गुड, बाय। मैं झूला नहीं झूल पाऊंगी बिकॉज ये किड जोन है, बच्चों के लिए है सब। हमने क्या पाप किया है? अब मैं ये बचाऊंगी। यार मैं आई थी फाउंटेन पे, जहाँ फाउंटेन है वापस वहाँ रील बनाने, बट बोल रहे हैं ये भी बच्चों के लिए है और यहाँ भी हमें अंदर जाना अलाउड नहीं है। बट सिक्योरिटी आने से पहले मैंने बना लिया रील और अंदर जाके भी आ गई। बूबू मैंने तो मज़े कर लिए। आगे चलते हैं। क्या अंकल सब कुछ बच्चों के लिए, हम कहाँ मजे करें। अपने बड़ों के लिए अलाउड नहीं है ना, वो 12 साल। ये भी अलाउड नहीं है, पानी वाला भी अलाउड नहीं है। नहीं, वो बाकी स्लाइड वगैरह तो ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। 4 साल के लिए, 4 साल के बच्चों के लिए ये तो गलत है। अब क्या, गलत है बराबर, लेकिन कैमरे सब जगह पे लगे हैं। हाँ नहीं नहीं, आप गलत नहीं हो, मतलब रूल्स बनाने वालों ने गलत किया ना, ये तो हमारे लिए होना चाहिए है ना। काश एक दिन के लिए मैं बच्ची होती। अब क्या है, थीम गार्डन स्पोर्ट्स एरेना। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। एडवेंचर प्ले, ये भी बच्चों के लिए। आगे मुझे वाटरफॉल दिख रहा है। वाह
गलत है ये, इन लोगों ने मेरा ट्राइपॉड कॉन्फिस्केट कर दिया, यानी सिक्योरिटी में रख दिया। मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद कि मेरे साथ कोई नहीं है, और प्लीज़ मुझे शूट करने दीजिए। मैं आपके ही पार्क का, गार्डन का प्रमोशन कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे। सो मैंने इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद इन्होंने मेरा रख दिया, और भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। तो ये याद रखना व्लॉगर्स, जो भी आप लोग आ रहे हो, ट्राइपॉड ड्रोन वगैरह कैमरा, डिजिटल कैमरा, आई डोंट नो, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे। एंड शायद नया नया है, मैंने उनको बताया भी, यार नया नया है तो तुमको भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरे पार्क्स जो है मुंबई में, जैसे जीजा माता उद्यान, नेशनल पार्क, वहाँ पर अलाउड है, पर आप लोग यहाँ पर अलाउड नहीं कर रहे हो। यार मुझे बहुत गलत लगा ये, इतना मैंने रिक्वेस्ट किया, लिटरली 15 मिनट में उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मुझे इनफैक्ट वो लोग चिढ़ा रहे कि आप ट्राइपॉड लगा के ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो उधर। तो मैं भाग के आ गया सीसीटीवी में देख के ये कि ये चीज़ है क्या। तो मैंने बोला मैं ट्राइपॉड लगा के, कैमरा लगा कर ऐसे वैसे ही करूँगी ना, और क्या करूँगी मैं, कुछ गलत चीज़ थोड़ी ना कर रही थी। बट बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। ठीक है अलाउड नहीं है, बट आप, मैंने उनको सारी मेरी समस्या बताई कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बोल रहे कि हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आप उनको ले जाइए और करिए शूट। वाओ, मैं अब क्या ही बोलूँ यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब खैर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और क्या है, और निकलते हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं और भी कुछ बोलना चाहती हूँ बट कंट्रोल कर रही हूँ। सोनल कंट्रोल, इट्स ओके, रहना नहीं है इधर, लोगों की हेल्प लेके करेंगे हम, बट वी विल डू। देखो वहाँ पर बोट है, वाह। चलो, एक लड़की के मदद से मैंने थोड़ा शूट कर लिया, फोटोग्राफी कर ली, अब आगे चलते हैं। ये भैया मेरा भी फोटो खींच दे। छोटा ट्राइपॉड निकालूंगी तो वो भी ले लेंगे, ऐसे है ये लोग। वाह, वाटरफॉल, हाय। आप मेरे कैमरा में आ गए अब। भीगना है यार, मैं सब मेरा भी चीज है उधर से खड़ा।
नहीं कर रहा कि यहाँ से हटूँ। चलो आगे देखते हैं। अब ना मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। धूप में नहीं जाना यार, बैठ के पानी पीना है। पानी पी लेती हूँ। छाँव भी नहीं है, सब जगह धूप ही धूप है। छाँव वाला बेंच भी ऑक्यूपाइड है। भगवान, मुझे पानी पीना है, आराम से बैठ के। हाँ पीऊँ। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या है आगे। क्या है? ब्रिज एंट्री। काम चल रहा है अभी भी यहाँ से। क्या ब्रिज एंट्री? देखो ऊपर से व्यू। वहां पर भी फाउंटेन है। मुझे ना बहुत जोर की प्यास लगी है। अब छाव वाली जगह ढूंढ के पहले पानी पी लेती हूँ। क्या पता कैमरा से बॉटल देख के भी कॉन्फिस्केट ना कर दे। पर मैं पानी पी के रहूँगी और खाली बॉटल दे दूँगी उनको। अच्छा लग रहा है पानी पीने के बाद। वाओ, व्हाट अ फीलिंग। चलो वहाँ चलते हैं। और यहाँ मुगल गार्डन। मुगल गार्डन है। उस साइड भी है कुछ, बट पहले ये ब्लू वाला देख लेते हैं क्या चीज़ है। मोरक्कन गार्डन। ओके यार, मैं लोगों की हेल्प ले लेके वीडियोस ले रही हूँ, फोटोज़ ले रही हूँ। फोटोज़ देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलते हैं उस तरफ। ये क्या है?
कोनिचिवा स्ट्रेट फ्रॉम जापान. ओके वाओ नाइस. जापानीज गार्डन. ओके अब ना उस तरफ जाएंगे. ये हम इधर से बाहर निकले. चाइनीज गार्डन. वाह थिंक. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा. और खाने का सामान कुछ मत लाना क्योंकि वो भी वो लोग रख लेंगे. ट्राईपॉड मत लाना और बच्चों को लेके आना, ये एक्चुअली बच्चों के लिए है. सारी जो भी चीज़ें हैं बच्चों के लिए ही है. सो यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना. मेरा वैसे एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड ले लिया इसीलिए बिटर स्वीट था, वरना ठीक ठीक सा है. मतलब अच्छा बनाया तो अच्छा है, बट यार मुझे और थोड़ी ग्रीनरी चाहिए थी. है फिर भी अभी भी काम चल रहा है, बट इफ़ यू आस्क मी आई वुड प्रिफर जीजा माता उद्यान और नेशनल पार्क ओवर दिस. सो यस, अब मैं चलती हूँ, अपना ट्राईपॉड कलेक्ट करती हूँ एंड निकलती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.